हे गाइस, वेलकम बैक। वीवो का सब ब्रांड आइको ने रिसेंटली अपनी पावरफुल सीरीज स्नैपड्रैगन 888 के साथ 9 सीरीज को इंडिया में लॉन्च किया था। अभी यहां पर 15,000 के बजट कैटेगरी में स्पेशली इंडियन यूजर्स के लिए आइको की तरफ से आइको Z6 5G फाइनली आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जो कि काफी सिमिलर है वीवो T1 5G से। बट जो बॉक्स की पैकेजिंग है वो थोड़ी डिफरेंट आपको मिलती है। वीवो T1 5G का व्हाइट कलर का सिंपल बॉक्स आपको मिलता है, आइको स्टाइल बॉक्स आपको मिलता है ब्लैक कलर टाइप येलो प्रिंटिंग ब्रांडिंग के साथ। तो ये बॉक्स पैकेजिंग थोड़ी डिफरेंट है, बट जो अंदर का सारा सब कुछ बॉक्स कंटेंट्स है, जो फोन है, सब कुछ सिमिलर आपको मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो आज आपने मान लो ये ड्रेस पहनी है, कल आपने दूसरी ड्रेस पहनी है, बट अंदर जो है वो आप ही हैं। तो ऐसे ही आप मान सकते हैं, अगर आपने आइको का फोन परचेस किया तो वही सिमिलर वीवो का भी आपको मिल जाता है। बस यहाँ पर जो बॉक्स का कलर है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ऐसे में आपकी पर्सनल चॉइस है, दोनों में सिमिलर अपडेट आपको मिलेंगे, सॉफ्टवेयर सब कुछ सिमिलर आपको मिलता है। वीवो के ही सर्विस सेंटर पे आइको की सर्विसेज आपको मिलेगी। अगर हम बात करें इसके प्राइसिंग एंड वेरिएंट्स के बारे में, तो 3 डिफरेंट वेरिएंट्स को लॉन्च किया गया है। 4 GB रैम के साथ 128 GB नेक्स्ट है, 6 GB रैम के साथ 128 एंड 8 GB रैम के साथ भी 128। तो तीनों में 128 GB आपको मिलता है। और इस फोन के ऊपर आपको HDFC बैंक के कार्ड्स पर ऑफर आपको मिलता है। बेस वेरियंट की जो प्राइसिंग है आफ्टर डिस्काउंट ऑफर के बाद वो है 13999, 6 GB रैम के 14999 एंड 8 GB रैम के 15999। तो इस प्राइसिंग में काफी किलर डील है। तो अगर आपके पास HDFC बैंक का कार्ड, तो इसमें 14,000 से ये फोन का स्टार्टिंग प्राइस आपको मिलेगा। बेस वेरिएंट्स पे 1,000 तक ऑफ आपको मिलेगा, बट जो हाईर वेरिएंट है 8 GB रैम, वहां पर 2,000 तक का ऑफ आपको मिलेगा। वो आपको मिलेगा 16,000 में आफ्टर डिस्काउंट। और यहां पर आपको दो डिफरेंट कलर ऑप्शन मिलते हैं। एक है सिंपल प्लेन ब्लैक, जो कि मैट फिनिशिंग के साथ आपको मिलता है। साइड फ्रेम आईफोन टाइप इंस्पायर्ड आपको मिलता है, फ्लैट फ्रेम है दोनों ही डिफरेंट कलर में। दूसरा कलर है स्काई ब्लू टाइप, बट इसका जो डिजाइन है थोड़ा ग्रेडियंट आपको मिलता है प्रीमियम कलर्स के साथ। यहां पर स्काई ब्लू के साथ में पिंक रेड टाइप यहां पर कलर शेड आपको मिलता है, एंड इसमें भी मैट फिनिशिंग डिजाइन है। तो सबसे पहले इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.58 इंचेस के फुल HD प्लस ड्यूड्रॉप नोच डिस्प्ले आपको मिलती है। तो 15,000 के बजट में सारे फीचर यहाँ पर वीवो ओप्पो सैमसंग जैसी ब्रांड की तरफ से प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। आजकल इवन आपको रेडमी रियलमी की डिवाइसेज की भी पहले जैसी एग्रेसिव प्राइसिंग नहीं मिलती। रिसेंटली रियलमी 9 5G लॉन्च हुआ, उसमें भी 18 वोल्ट का चार्जर का सपोर्ट है। तो यहाँ पर आपको वीवो आइको जैसी ब्रांड अगर ये सारे फीचर प्रोवाइड करती है, थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग यहाँ पर करेगी, बट जो वाटर ड्रॉप नोच है काफी छोटी आपको मिल जाती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको मिलता है, एंड जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है कलर है काफी बढ़िया आपको मिल जाते हैं। 90.61% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलती है, एंड साथ में आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट आपको मिल जाता है, एंड काफी अच्छी स्मूथ डिस्प्ले आपको मिलती है। तो गेमर्स के लिए काफी तगड़ा फोन ये आपको मिल जाता है 15,000 के बजट के अंदर। 186 ग्राम के अंदर ये फोन आपको मिलता है 8.25 mm की थिकनेस के साथ। तो और जो बिल्ड है इस फोन का, लाइट वेट भी आपको मिल जाता है ज्यादा, यहाँ पर थिक भी आपको नहीं मिलता है, स्लिम फोन आपको मिलता है। चिपसेट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि 6 nm बेस्ड आपको मिलता है, एंड यहाँ पर काफी अच्छी गेमिंग चिपसेट आपको मिल जाता है। GPU आपको मिलता है 619 का, एंड जो एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है 4 लाख के ऊपर आपको मिल जाता है, एंड जो बाकी ऑल ओवर जो इसकी परफॉर्मेंस है काफी सही आपको मिलेगा। और साथ में आपको 5 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिलता है। आगे अभी समर का टाइम आने वाला है, तो टेम्परेचर काफी बढ़ सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी काफी तगड़ा आपको मिल जाता है। अगर फोन हीट हो जाता है तो काफी जल्दी यहाँ पर कूल डाउन भी टेम्परेचर में आपको मिलेगा। बाकी इसका जो BGMI गेमिंग टेस्ट है, बैटरी ड्रेन टेस्ट है, कितना टेम्परेचर चला जाता है, तो जल्दी एक दिन के अंदर वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो उसमें हम टेस्ट करेंगे कितना यहाँ पर टच रिस्पॉन्स कितना बेटर आपको मिलता है, कितने FPS पर गेमिंग आपको मिलेगी, एंड कितना टेम्परेचर कितनी बैटरी यहाँ पर आपको मिल जाती है, इसकी कैसी परफॉर्मेंस है। तो उसके लिए एक दो दिन वेट कर लीजिए, जैसे वीडियो रेडी हो जाते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आजकल आपको स्नैपड्रैगन 695 काफी सारे स्मार्टफोन में मिल जाता है। रियलमी 9 प्रो 18,000 की कैटेगरी में आपको मिलता है, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G उसमें भी सेम चिपसेट है बट 21,000 है, एंड यहाँ पर आइको आपको 15,000 के बजट के अंदर स्नैपड्रैगन का पावरफुल चिपसेट प्रोवाइड करता है। कैमरा की अगर हम बात करें, तो स्क्रीन पर आप कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हैं। आउटडोर में काफ़ी बढ़िया कैमरा सैंपल आपको मिल जाता है, डिटेलिंग काफ़ी सही है, कलर भी ठीक ठाक कैप्चर कर लेता है, सेल्फी कैमरा भी ठीक आपको मिलता है, जो पोर्ट्रेट मोड है एज डिटेक्शन काफ़ी सही है, और इंडोर के अंदर भी कम लाइटिंग कंडीशन में ठीक ठाक परफॉर्म कर देता है, बट वहाँ पर थोड़ी डिटेलिंग थोड़ी मिसिंग रहती है, बट इस प्राइसिंग में ठीक कैमरा परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। लेकिन वीडियो क्वालिटी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर 4K वीडियो का सपोर्ट नहीं है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 695 में 4K का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। Realme 9 Pro 18,000 में, Redmi Note 11 Pro Plus 5G वो 21,000 में, वहाँ पर भी सेम चिपसेट एंड 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इससे यहाँ पर
चिपसेट के अंदर ही सपोर्ट नहीं है तो ब्रांड भी यहाँ पर क्या कर सकता है, मैक्सिमम यहाँ पर 1080p 30fps का सपोर्ट है, बाकी अगर यहाँ पर 60fps का सपोर्ट मिल जाए तो काफी सही रहता। बट जनरली यहाँ पर अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे तो क्वालिटी ठीक आपको मिल जाती, EIS वगैरह का सपोर्ट आपको मिलता है, तो ये फोन आपको मिल जाता है जो कि बिल्कुल सिमिलर है वीवो T1 5G से, बस बॉक्स का ही कलर डिफरेंट है, बाकी पूरा फोन पूरा का पूरा फोन सेम आपको मिल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, इसकी बाकी वीडियो जल्दी आपको मिलेगी एंड जो बाकी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है तो चेकआउट आप कर लेना। सो डेट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक और ऐसे कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।